सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन की तरह बॉलीवुड में भी देसी सुपर हीरो पर आधारित फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन ज्यादातर प्रयास नाकाम रहे। केवल क्रिश ही सफल रहा है। अब रेमो डिसूजा ने अ फ्लाइंग जेट के जरिए नया सुपर हीरो पेश किया है। आइए जानते हैं कि उनका प्रयास कितना सफल रहा है। पंजाब में रहने वाला अमन डरपोक किस्म का इंसान है जो अपनी माँ के साथ रहता है। इनकी जमीन पर एक पुराना पेड़ है जिसे लोग पूछते हैं। उद्योगपति मल्होत्रा को यह जमीन चाहिए क्योंकि इसमें उसका फायदा है। जब पैसे से बात नहीं बनती तो मल्होत्रा अपने गुंडे राका को पेड़ काटने के लिए भेजता है। अमन और राका की लड़ाई होती है। अमन पेड़ से टकराता है और उसे दिव्य शक्तियां हासिल हो जाती है। वह फ्लाइंग जेट बन असहाय लोगों की सहायता करता है। इधर राका भी सुपर विलेन बन जाता है। प्रदूषण के जरिए वह शक्ति हासिल करता है। इसके बाद क्या होता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिल्म की कहानी अत्यंत ही साधारण है और स्क्रीन प्ले में मनोरंजन का अभाव है। शुरुआती आधा घंटा किरदारों को जमाने में खर्च किया गया है। इसके बाद जब अमन को शक्ति हासिल होती है तब फिल्म थोड़ी रोचक होती है। हालांकि यहां पर लेखक और निर्देशक की कल्पना का अभाव नजर आता है, जबकि शक्ति हासिल होने के बाद कई मनोरंजक दृश्य सोचे जा सकते थे। इंटरवल तक फिल्म किसी तरह लड़खड़ाते हुए पहुंचती है, लेकिन इंटरवल के बाद वाला हिस्सा दर्शकों को थका देता है। यहाँ पर से मनोरंजन बैकफुट पर चला जाता है और पर्यावरण का मुद्दा फिल्म को कुछ ज्यादा ही गंभीर बना देता है। रेमो का मजबूत पक्ष मनोरंजक फिल्म बनाना है, संदेश देने वाली फिल्म बनाने की योग्यता उनमें नहीं है। प्रदूषण से ताकत हासिल करने वाला राका और फ्लाइंग जेट की भिड़ंत मजा नहीं देती। सुपर हीरो जब ताकतवर लगता है जब विलेन भी ताकतवर हो। यहाँ पर विलेन के प्रति नफरत पैदा नहीं होती। फ्लाइंग जेट के दोस्त की बेवजह मौत दिखाकर इमोशन पैदा करने की नाकाम कोशिश की गई है। फिल्म को धार्मिक रंग देने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन बिना सिचुएशन के ये प्रयास निरर्थक लगता है। रोमांस केवल इसलिए डाला गया है कि फिल्म में रोमांस होना चाहिए। क्लाइमैक्स निराशाजनक है। निर्देशक के रूप में रेमो डिसूजा तय नहीं कर पाए कि वे किस दर्शक वर्ग के लिए फिल्म बना रहे हैं। उनकी फिल्म न बच्चों को खुश करती है और न वयस्कों को। हास्य सीन पर उनकी पकड़ नजर आती है, लेकिन जब ड्रामा गंभीर होता है तो उनके हाथों से फिल्म फिसल जाती है। साधारण लड़के से सुपर हीरो बनने वाले हिस्से को तो उन्होंने अच्छे से दिखाया, लेकिन इसके बाद वे फिल्म को कैसे आगे बढ़ाए समझ नहीं पाए। माँ बेटा, दोस्त, अमीर विलेन, गोरी चमड़ी वाला ताकतवर गुंडा जैसे चिर परिचित फार्मूले यहाँ नहीं चल पाए। बहुत कुछ एक ही फिल्म में समेटने के चक्कर में मनोरंजन पीछे छूट गया। टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में बुझे बुझे नजर आए। वे खुलकर अभिनय नहीं कर पाए। न तो वे ऐसे इंसान लगे जो ऊंचाई से घबराता है और न ही सुपर हीरो के रूप में ताकतवर लगे। जैकलीन फर्नांडिस की याद तो निर्देशक को इंटरवल के बाद आती है। जैकलीन तो इस फिल्म को भूल जाना ही पसंद करेगी। टाइगर के दोस्त के रूप में गौरव पांडे जरूर थोड़ी राहत देते हैं। अमृता सिंह ठीक रही है। विलेन के रूप में के मेनन एक ही तरह का अभिनय कर अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। नाथन जोन्स हट्टे कट्टे जरूर लगे, लेकिन दहशत पैदा नहीं कर पाए। फिल्म के अन्य पक्ष भी कमजोर है। सचिन जिगर एक भी ऐसी धुन नहीं दे सके जो याद रह जाए। तकनीकी रूप से फिल्म औसत है। रेमो जैसे कोरियोग्राफर होने के बावजूद गानों की कोरियोग्राफी भी औसत दर्जे की है। सीजीआई इफेक्ट्स कहानी से मेल नहीं खाते। कुल मिलाकर सुपर हीरो फ्लाइंग जेट निराश करता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।